टू ज्ञान ओशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोर लूप को हम किस तरीके से शीट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी मैक्रोस बनाए हैं वो सब हमने इस वर्कबुक में सेव कर दिए हैं। जैसे कि हमने पहले सिंपल 1 to 10 काउंट प्रिंट किए थे, उसके बाद हमने स्टेप्स यूज किया था और फाइनली हमने ये कलर इंडेक्स यूज किया था टू प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स। और हमने ये टेबल के लिए भी एक मैक्रो लिखा था फॉर लूप के लिए। तो अभी तक के जितने भी मैक्रोज हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं इस वर्कबुक में। और अगर आप ये फाइल डाउनलोड करना चाहें तो हमारी वेबसाइट gyanushin.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब हम एक नया मैक्रो लिखेंगे फॉर लूप के लिए, सब फॉर लूप 1। सो गाइस ये जो है मैसेज बॉक्स शीट्स आई डॉट नेम, सो मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर जितनी भी शीट्स है उनका नाम मैसेज बॉक्स में आए। सो मैं एफिट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई है 1। तो मीन्स शीट 1 का जो नाम है वो मैसेज बॉक्स में आना चाहिए और सिमिलरली शीट 2 का नाम आना चाहिए। और अब आई की वैल्यू हो गई है 3 और ये फाइनल शीट्स का नाम इसने डिस्प्ले करा दिया। सो गाइस दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जिससे हम शीट की वर्किंग को समझ सकते हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ शीट का, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब ये मैसेज बॉक्स में ना आए, ये वर्कबुक में आए। लाइक फर्स्ट कॉलम इज नॉट फ्री, 1 2 3 4 5 6, मैं 7th कॉलम में यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ जितनी भी हमारी शीट्स हैं उनका नाम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ i,7 डॉट वैल्यू इक्वल टू शीट्स आई डॉट नेम। तो मैंने इसे एफिट करके चलाता हूँ, सॉरी ये नाम जो है सेम नहीं हो सकता, विद इन सेम मॉड्यूल हम सेम नाम से दो मैक्रो नहीं लिख सकते। तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, तो 7th में आप देख सकते हैं ये हमारी शीट का नाम आ गया है और मैंने 7th कॉलम ही यूज़ किया था। और अब i की वैल्यू हो गई है 2, मींस सेकंड रो में आएगा और 7th कॉलम में आएगा शीट 2 का नाम, शीट 2 मींस लूप एग्जांपल 2, सो इट इज डन। सिमिलरली अब थर्ड रो में आएगा जैसे कि i की वैल्यू है 3 और शीट i मींस शीट थर्ड में, शीट थर्ड का नाम जो है थर्ड रो में आएगा, राइट, दिस इज डन। सो गाइस दिस इज हाउ वी कैन वर्क फॉर शीट्स। सो अगर हम चाहें कि लूप विद इन अ लूप देखना चाहें तो उसका भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूं और एक और एग्जांपल देता हूं आपको शीट का। बट इस टाइम थोड़ा सा ये लूप के अंदर मैं लूप यूज करूंगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लूप के अंदर फिर से लूप यूज करते हैं फॉर कोई भी ले लीजिए जे इक्वल टू 1 to 10, नेक्स्ट जे सेल्स जे कॉमा 1 1, नहीं 7th कॉलम गाइज ये है, तो मैं चाहूँगा 9th कॉलम में ये काउंटिंग प्रिंट करे जो काउंट हमने फर्स्ट मैक्रो में किया था वही काउंटिंग। बट इस बार मैं चाहूँगा कि ये जो एक्शन है वो हर शीट के लिए परफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया शीट्स आई डॉट सेलेक्ट। मैं इसे दिखाता हूँ आपको, जैसे कि अभी आई की वैल्यू हो गई है 1 तो इसने फर्स्ट शीट को सिलेक्ट कर लिया और अब मैंने बोला जे जो है 1 to 10, सो जे की वैल्यू हो गई 1 और मैंने बोला 9th कॉलम में प्रिंट कराया जाए बट रो हमारी है 1 तो इसने यहाँ पे 1 प्रिंट करा दिया। अब जे की वैल्यू हो गई है 2 तो अब ये जो इनर लूप है हमारा वो फर्स्टली एग्जीक्यूट होगा कंप्लीट। तो ये इनर लूप हमारा कब तक चलेगा, 1 to 10 तक, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10। सो ये 10 से बाहर आएगा और नेक्स्ट आई, आई की वैल्यू हो गई 2 तो अब ये सेकेंड शीट को सिलेक्ट करेगा, ये सेकेंड शीट में आया और अगेन जे की वैल्यू हो गई फिर से 1 क्योंकि मैंने यहाँ पर इनिशलाइज करा दिया जे को 1 से, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं फ्लोर जे इक्वल टू 1 to 10 और अब दोबारा से जे 1 हो चुका है तो ये फिर से फर्स्ट रो में प्रिंट करेगा। इसने फर्स्ट रो में फिर से प्रिंट किया जे की वैल्यू, जो कि जे की वैल्यू है 1, अप टू 3 4 5 6 7 8 9 10।
और ये जे अब 10 हो गया तो ये इस लूप से बाहर आएगा और आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू हो गई है 3 और हमने बोला हुआ है शीट्स डॉट काउंट तक ही चलना चाहिए जो बाहर का लूप है, और बाहर के लूप में शीट्स काउंट हमारे 3 हैं। तो ये फाइनल हमारा राउंड है, यानी कि शीट्स 3rd सिलेक्ट हो गई है और इसने फिर से जे की वैल्यू को 1 कर दिया है और 2, 3, 4, 5 दिस इज हाउ इट विल प्रिंट। और अब यहाँ पर शीट की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 होते ही ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप लूप के अंदर लूप को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मेरा पर्पस था कि मैं आपको फोर लूप को अच्छी तरह से समझाऊं और इस एग्जांपल से आप फोर लूप को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें लूप के अंदर हम लूप यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गया है तो इट मींस यू कैन क्रिएट एनी डिफिकल्ट मैक्रो इन फोर लूप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञानोशन.com सो दैट वी कैन सेंड यू द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू।